जय श्री कृष्णा फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे फ्रेंड, कार्तिक माह में ऐसे कौन कौन से 10 कार्य हैं जो कि हमें ज़रूर करने चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शरद पूर्णिमा तिथि के समापन के बाद कार्तिक माह की शुरुआत होती है। इस महीने में विधि पूर्वक जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का विधान है। इस महीने में विभिन्न धार्मिक कार्य और आध्यात्मिक गतिविधियाँ करने शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस माह में भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से हम सभी को सभी तरह के संकटों से छुटकारा मिलता है। यानी कि ये जो कार्तिक महीना होता है ये पूरी तरह से भगवान विष्णु को समर्पित है, क्योंकि और इस बार 2024 में कार्तिक माह की शुरुआत 18 अक्टूबर से हो रही है और इसका समापन अगले महीने 15 नवंबर को होगा। यानी कि 18 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच का जो समय है वो कार्तिक माह का समय है, यानी कि ये महीना कार्तिक माह है। तो चलिए अब जानते हैं फ्रेंड कि इस महीने में हमें कौन कौन से 10 ऐसे कार्य हैं जो हमें ज़रूर करने चाहिए। इसमें नंबर फर्स्ट है नदी स्नान। कार्तिक के पूरे माह में पवित्र नदी में स्नान करने का प्रचलन और महत्व रहा है। इस माह में श्री हरि जल में ही निवास करते हैं और मदन परिजात के अनुसार कार्तिक माह में इंद्रियों पर संयम रखकर चांद तारों की मौजूदगी में सूर्योदय से पूर्व ही पुण्य प्राप्ति के लिए स्नान नित्य करना चाहिए, यानी कि नदी में स्नान करना चाहिए हमें इस माह। नंबर टू व्रत। इसी दिन व्रत का भी बहुत ही महत्व है। इस दिन उपवास करके भगवान का स्मरण चिंतन करने से अग्निष्टम यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है तथा सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ करके प्रत्येक पूर्णिमा को रात्रि में व्रत और जागरण करने से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। यानी कि जो कार्तिक माह की पूर्णिमा का जो व्रत आता है हर महीने, वो इस माह से आप शुरू कर सकते हैं। नंबर तीन दीपदान। इस माह में दीपदान का बहुत ही महत्व है। नदी तालाब आदि जगहों पर दीपदान करने से सभी तरह के संकट समाप्त होते हैं जीवन में, और जो भी कर्जा होता है हमारे जीवन में उससे मुक्ति मिल जाती है। नंबर फोर भूमि पर शयन। इस माह में भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव निर्मित होकर सभी तरह के रोग और विकारों का समाधान होता है। यानी कि इस महीने हमें ज़मीन पर सोना चाहिए। नंबर फाइव तुलसी पूजा। इस माह में तुलसी की पूजा, सेवन और सेवा करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इस कार्तिक माह में तुलसी पूजा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। नंबर सिक्स दलहन खाना मना है। कार्तिक महीने में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई नहीं खाना चाहिए। लहसुन, प्याज और मांसाहार का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान विष्णु को समर्पित है ये माह। नंबर सेवन तेल लगाना मना है। इस माह में नरक चतुर्दशी यानी कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को छोड़कर अन्य दिनों में तेल लगाना वर्जित माना गया है। नंबर एट इंद्रिय संयम। कार्तिक माह में इंद्रिय संयम में खासकर ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक बताया गया है। इसका पालन नहीं करने पर अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। इंद्रिय संयम में अन्य बातें जैसे कम बोलें, किसी की निंदा या विवाद ना करें, मन पर संयम रखें, खाने के प्रति आसक्ति ना रखें और अधिक ना सोएं और ना ही अधिक जागें। नंबर नाइन दान। इस माह में दान का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। अपनी क्षमता अनुसार अन्नदान, वस्त्रदान, अन्य जो भी दान है वो आप इस माह कर सकते हैं। नंबर दस पूजा। इस माह में तीर्थ पूजा, गंगा पूजा, विष्णु पूजा, लक्ष्मी पूजा एवं यज्ञ एवं हवन का भी बहुत ही अधिक महत्व है। इस दिन चंद्रोदय पर शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसूया और क्षमा इन छह कृतिकाओं का पूजन अवश्य करना चाहिए। तो ये थे फ्रेंड कार्तिक माह की महत्व, कि कार्तिक महीने का क्या महत्व है हमारे जीवन में और हमें ऐसे कौन कौन से 10 कार्य हैं जो हमें इस माह ज़रूर करने चाहिए। तो आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। और आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय श्री कृष्णा फ्रेंड।